तो जो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे वो हमारी लीड की फर्स्ट प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन लिंक्स होंगे होंगे जो प्रैक्टिस लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन चेक दोज आउट। सो पहले हम इस target. So क्या है हमें बेसिकली एक एरे गिवन है और एक टारगेट सम गिवन है हमको क्या करना है ऐसे इंडेसिस भेजने ऐसे दो एलिमेंट्स के जिनका सम उस टारगेट के इक्वल हो यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन सो अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो इसने हमारी प्रॉब्लम इजी की है एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट वाइस और जो हमारे सेम एलिमेंट्स है हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल है जैसे एरि हमें टू सेवन इलेवन एंड आउटपुट आया तो जीरोल है तो है? है? तो देखते हैं थ्री टू फोर टारगेट इज सिक्स तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टू प्लस फोर इज सिक्स सो यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी वन कॉमा टू है इन दर्ड एग्जाम्पल वी केन सी डेट वी कैन हैव सेम नंबर मल्टीपल टाइम्स

इट विल बी अ ब्रूट फोर्स वे हम क्या करेंगे हम अपना एक आइट्रेटर जो है वो आइट्रेट करना शुरू करेंगे पूरी एरे पे और वो स्टार्ट से आइट्रेट होगा नेक्स्ट इसका जो होगा वो इस नंबर के लिए पूरे एरे में टारगेट माइनस दिस नंबर को सर्च करेगा टारगेट तो क्या है नाइन नाइन माइनस टू को ये सर्च करेगा तो यहाँ पे तो सेवन यहीं पर मिल जाता है राइट right. सपोज आपको टारगेट चेंज कर देते हैं हम टारगेट इज नाउ 18 अब क्या होगा हमने यहां से स्टार्ट किया जीरो हमने यहां से स्टार्ट किया आई से आई की वैल्यू आई पर क्या वैल्यू अभी टू राइट आई एट जीरो नाउ हम जो दूसरा स्टार्ट करेंगे आईट्रेटर वो जे लेंगे आई प्लस वन से तो वन पे स्टार्ट किया इज दिस वैल्यू एट जे टारगेट माइनस टू सो हमें बेसिकली सर्च क्या करना है टारगेट माइनस नम्स सो नीरोस टू एक्सटीन क्या ये 16 है नहीं तो हम क्या करेंगे जे को आगे बढ़ा देंगे नाउ जे विल पॉइंट हियर और जे हो गया हमारा टू क्या ये सिक्सटीन है नहीं तो हम इसको फिर आगे बढ़ा देंगे नाउ जे विल बिकम थ्री क्या ये सिक्सटीन है नो no. यानी कि हमने पूरी एरे को ट्रेवर्स कर लिया और हमें सिक्सटीन नहीं मिला तो इसका मतलब इस आई के लिए हम नहीं ढूंढ सकते कोई भी इसका पेयर सो व्हाट वी विल डू अब इस आई को हम आगे बढ़ा देंगे नाउ आई विल बिकम वन और क्योंकि हमने यहां के लिए पहले सर्च कर लिया टू के लिए मुझे कुछ नहीं मिला तो अब जे जो है वो आई प्लस वन से ही स्टार्ट होगा यानी कि जे टू से स्टार्ट होगा राइट सो अब मुझे क्या सर्च करना है क्योंकि अब मेरा नम्स जो है वो च, आई जो है वो चेंज हो गया

लूप ओवर इट अगेन with आई प्लस वन टू एन और हम सर्च कर सकते हैं इफ नम्स जे इक्वल इक्वल टेम्प अगर नम्स जे टेम के इक्वल हमें दोनों अपने वेरिएबल्स मिल गए हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पुश कर देंगे दोनों को और सोल्यूशन को रिटर्न कर देंगे राइट एंड दट इज इट दिस इज वॉट वी वॉन्टेड और क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर इंट को रिटर्न करना ही है तो ये कोई वार्निंग वगैरह ना दे तो इसके लिए हम यहाँ पर भी एक रिटर्न सॉल्यूशन लिख देंगे नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस इट इज एक्सेप्टेड नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस सो इट इज गिविंग मी फोर सेवनटी एट मिली सेकेंड दिस इज लाइक अप्रोक्सीमेट थिंग एंड इट इज फास्टर देन एटीन पॉइंट प्लस कोड एंड इट इज यूजिंग टेन पॉइंट टू एम बी ऑफ मेमोरी राइट सो इट इज गुड दैट इट इज बीन एक्सेप्टेड बट इट इज नॉट फास्ट इनफ हाउ कैन वी मेक इट फास्ट नाउ इफ यू थिंक अबाउट लेट्स एग्जांपल लेट्स एंड लेट्स से टारगेट इज एट हमारा जो कोड है जो हम एल्गोरथम हमने बनाई है वो क्या कर रहा है वो एक वैल्यू के लिए सारी वैल्यू चेक कर रहा है ठीक है तो फर्स्ट वैल्यू के लिए उसने कितनी वैल्यू चेक की एन माइनस सेकेंड के लिए एन माइनस टू थर्ड के लिए एन माइनस थ्री एंड सो ऑन तो अगर हम इनको देखें लास्ट में यहाँ पे कहीं पे वन आएगा तो अगर इनका सबका सम देखें तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन विच इज एन इन टू एन माइनस वन बाय टू विच इज एन स्क्वायर तो हमारे जो कोड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर राइट right. अब क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो अगर मेरे को इस तरीके से जम्बल दे रखा है कुछ भी हमारा इनपुट तो हम इसके अंदर टारगेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं बट क्योंकि हमको नंबर्स रिटर्न नहीं करने हमको उनका इंडेसिस रिटर्न करना है तो हमें इनको इंडेसिस के हिसाब से सॉर्ट करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे दिस विल बिकम इंडेक्स टू विद टू देन जीरो फाइव फोर सिक्स थ्री सेवन वन नाइन तो ये हो गया सॉर्टेड एरे और ये जो इनके पुराने इंडेस थे ये यहां पर आ गए अब क्या करेंगे इसको हम सिंपली कर सकते हैं एक पॉइंटर यहां रख सकते हैं और एक पॉइंटर यहां पर रख सकते हैं ठीक है थीके? अब मैंने देखा नाइन प्लस टू सो टू प्लस नाइन इज इलेवन अब क्या ये इलेवन मेरे टारगेट से बड़ा है या छोटा है दिस इज

नाउ टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू एट तो एट इक्वल्स टू एट तो मुझे मिल गया तो so, अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को सॉल्यूशन में पुश करके रिटर्न करा दूंगा सपोज मुझे कुछ और सर्च करना था फॉर एग्जांपल मेरा जो टारगेट है इसी एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं टारगेट इक्वल्स टू थर्टीन तो आप क्या करेंगे अगेन दो पॉइंटर्स यहाँ पे रखे हैं सो टू प्लस नाइन अब इलेवन जो है वो 13 से छोटा है सो इलेवन इज लेस देन थर्टीन तो मुझे अपना जो सम है उसको इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा नाउ आई ये क्या है? 14. और 14 क्या है है और से बड़ा है तो यानी कि मुझे अब अपने सम को कम करना है तो मैं इस पॉइंटर को पीछे करूंगा अब आ गया फाइव प्लस सेवन विच इज इज लेस देन दे अगर मुझे सम को बढ़ाना है तो मैं इसको आगे करूंगा नाउ इट विल बिकम सिक्स प्लस सेवन विच इज थर्टीन और ये मेरे टारगेट के बराबर आ गया एंड देन आई विल रिटर्न दीज टू बाहर मुझे अपना वैक्टर को चेंज करना होगा क्योंकि जो हमारा इनपुट वैक्टर है उसके अंदर सिर्फ नंबर है और मुझे चाहिए क्या नंबर के साथ साथ उसके अंदर उसका पुराना इंडेक्स भी चाहिए तो मुझे एक नया वैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा न्यू नम्स के नाम से मैं क्रिएट कर देता हूं और इसका साइज एन ही होगा नाउ मैं कॉपी कर दूंगा नम्स को विद इंडेसेस न्यू नम्स आई डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू नम्स आई एंड न्यू नम्स आई डॉट सेकेंड इक्वल्स टू आई तो जो फर्स्ट है जो पेयर का फर्स्ट है उसके अंदर हमारा क्या आ गया जो नम्स की वैल्यूज है वो आ गई और सेकेंड के अंदर हमारी आई आ गई ये मैंने इसलिए किया क्योंकि सॉर्टिंग ईजी हो जाएगी अब मुझे कंपेरेटिव फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा आई जस्ट नीड टू राइट सॉर्ट न्यू नम्स डॉट बिगिन कॉमा न्यू नम्स डॉट एंड नाउ हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो गई है और अब मुझे बस स्टार्टिंग और एंड से दो पॉइंटर चला के मेरा काम हो जाएगा वाइल आई इज लेस देन जे जब तक i j से छोटा है तब तक हमें क्या करना है और यहाँ पे लेस देन है इक्वल टू इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारा सेम एलिमेंट को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे एलिमेंट सिक्स और सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व आ जाए और कोई और दो उसमें कोई और दो एलिमेंट ऐसे ना हो सहरे में जिनका सम ट्वेल्व आ रहा हो तो हम सेम एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर लेस देन है और लेस देन इक्वल टू नहीं है इफ न्यू नम्स आई प्लस न्यू नम्स जे इक्वल इक्वल टारगेट अगर वो टारगेट के इक्वल आ जाता है तो मुझे क्या करना है सोल्यूशन डॉट पुश बैक अब मुझे इसका पुराने वाला जो नम्स आ रही थी उसमें जो इसका इंडेक्स था वो करना है तो वो कहाँ पर है न्यू नम्स आई डॉट सेकेंड में एंड द सेम गो फॉर सोल्यूशन डॉट पुश बैक new nums j dot second और फिर क्या कर दिया यहां पे रिटर्न solution else if, अगर मेरा जो सम है वो बड़ा है टारगेट से अगर सम बड़ा है इसका मतलब मुझे सम को छोटा करना है और जो मेरा जे है वो बड़े वाली वैल्यू की तरफ है तो मुझे उसको माइनस माइनस करना है एल्स मुझे सम को बड़ा करना होगा टारगेट तक पहुंचाने के लिए तो मैं आई प्लस प्लस करूंगा राइट एंड दिस विल डू नाउ सी दिस इज गिविंग मी सम एरर. बिकॉज़ दिस इज अ पेयर सो आई कैन नॉट एड अ पेयर सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट डॉट फर्स्ट एंड द सेम गोज हियर ऑल्सो डॉट फर्स्ट And dot first. Again, it is saying non-void function does not return a value in all control path. So yeah, mm -hmm. error seven pitch li bar return solution likha tha. Now if we run it, it is accepted. And if we submit it, now you see it is taking 23 milliseconds, which is

सेवन एंड सिक्स हम सॉर्ट इसलिए कर रहे थे ताकि हमें एक पैटर्न मिल जाए और हम उस पैटर्न पर अपने पॉइंटर्स को मूव करा सके ठीक है बट देर इज समथिंग कॉल हैशिंग मैं क्या कर सकता हूँ मैं नंबर्स को और इनके इंडेक्सेस को स्टोर करा सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल टारगेट इक्वल्स टू थर्टीन मैंने क्या किया यहाँ पे स्टोर कराया फाइव एट इंडेक्स जीरो अब जब नाइन आया तो मैं क्या करूंगा थर्टीन माइनस नाइन इज फोर क्या इसमें फोर है और बिकॉज ये सर्चिंग जो है ये ये ऑर्डर वन टाइम लेगी तुरंत बता देंगे कि इसमें है है या नहीं तो वन इसमें फोर है या नहीं है तो फोर नहीं है तो वॉट वी विल डू नाइन इसको मैंने पुश कर दिया नेक्स्ट आया टू तो मैं सर्च करूंगा थर्टीन माइनस टू इलेवन इसमें है नहीं है मैं टू कॉमा टू को पुश कर दूंगा दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज वैल्यू अगेन नेक्स्ट इज सेवन सो थर्टीन माइनस सेवन इज सिक्स क्या यहाँ पे सिक्स है नहीं तो मैं 7 को पुश कर दूंगा सेवन कॉमा थ्री नेक्स्ट आया सिक्स तो yes. तो मिल गया और सेवन से मैंने इंडेक्स पीस का निकाल दिया थ्री तो करंट इंडेक्स क्या है फोर और सेवन का इंडेक्स क्या है थ्री तो थ्री कॉमा फोर को पुश किया मैंने और सॉल्यूशन को रिटर्न करा दिया तो मेनली जो मेरे ये सॉल्यूशन है ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर मेरी कॉन्स्टेंट टाइम की सर्चिंग होगी तो इसके लिए हमारे पास एस होती है अनऑर्डर्ड मैप तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू नम्स हम यहाँ पे क्या करेंगे अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर देंगे इसका नाम एम रख देते हैं अभी और एम में हम इनिशियली वैल्यू डाल देते हैं एम नम्स जीरो इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब हम एक लूप चला सकते हैं फॉर इंट i equals to वन i less than n i plus plus और यहां पे हम सर्च कर सकते हैं कि क्या हमारा टारगेट माइनस नम्स i एग्जिस्ट करता है उसमें सो इफ एम डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स i इज नॉट इक्वल्स टू एम डॉट एन इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसे फाइंड करो किसको फाइंड करो टारगेट माइनस नम्स आई को अगर जो मिला है वो एम डॉट एंड के इक्वल नहीं है यानी कि हम सर्च करते करते एंड पे नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब हम कहीं बीच में है तो इसका मतलब मुझे मिल गया है टारगेट माइनस तो क्या करना है मुझे सोल्यूशन डॉट बैक आई एंड सोल्यूशन डॉट पुश बैक टारगेट माइनस नमसाई नाउ वी डोंट वॉन्ट द नंबर हमें क्या चाहिए उसका इंडेक्स तो वो कहां पर है एम पर तो हमने उसके इंडेक्स को सोल्यूशन में पुश किया एंड देन वी रिटर्न द सॉल्यूशन ठीक है एल्स इसका मतलब अगर मुझे नहीं मिलता है टार्गेट माइनस नम्स आई सो आई विल जस्ट डू टू एम्स इक्वल्स टू आई सो लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ एक्सेप्टेड नाउ इट्स अ लिटिल बिट फास्टर देन द प्रीवियस वन ओके सो दिस इज हाउ वी कैन टेक अ सॉल्यूशन वी कैन गिव अ ब्रूट फोर्स अप्रोच और उसके बाद हम उसको धीरे 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 ऑप्टिमाइज करते रहेंगे दिस इज वॉट हैपन्स इन एन इंटरव्यू इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको एक अप्रोच बतानी है डेट अप्रोच कैन भी ब्रूट फोर्स अप्रोच और फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको बिल्ड करते करते उसे ऑप्टिमाइज करना है